अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम सोनिया है और मैं शुएब की बड़ी सिस्टर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना चैनल बना लिया है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इसमें मैं अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में बताऊंगी आपको। अच्छा जी, और मेरे बारे में कुछ नहीं बताना है? अपने बारे में और बच्चों के बारे में, मेरे बारे में कौन दसेगा भाई? है चलो जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। इधर की मिठाई की है, ये देख ले, इनके काम जरा चेक कर लो। बैठे लो जी, इस चीज की मिठाई थी। आप पता नहीं क्या सोची पे है कि क्या किस चीज की मिठाई है, और यहाँ पे क्या है कि इस चीज की मिठाई थी। खैर, अभी आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाब करे, और इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट होगी तो जरूर कामयाब होंगे। तो बाकी ये रेगुलर ना डेली व्लॉग्स बनाया करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से, उस दिन भी मेरे घर आए थे ना ये फ्राइडे को, तो तब भी हमारी डिस्कशन हुई थी। तो मैंने कहा था ठीक है, कोई मसला नहीं, बनाए आप, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, और हमारी जो फैमिली है वो भी फुल सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। आपने नाक नहीं कटवानी बिल्कुल भी, इनको फुल सपोर्ट करना। और इसके अलावा बाकी ये खुद बताती हैं कि इनको चैनल बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। हाँ भाई दसो, अभी तक तो इतना अरसा हो गया मुझे देखते हुए, हालांकि इन्हें कभी इन्होंने नहीं कहा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा, तो मैंने कहा वाई नॉट बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो अभी इन्हीं से ही पूछते हैं कि क्यों जरूरत पेश आई। आपको तो पता है आजकल के हालात का, हाँ एक बंदा कमाने वाला हो तो सारे एक घर में कैसे गुजारा होता है। बस बहुत मुश्किल से अल्लाह का शुक्र है फिर भी गुजारा तो हो रहा था, लेकिन बंदा क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। अब बाहर जाके मैं जॉब तो कर नहीं सकती बच्चों को छोड़ के, वरना मैंने तो बहुत कोशिश की चलो अभी जॉब करो, लेकिन फिर मैं बच्चों घर कौन संभालेगा, कोई है नहीं घर में। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो चैनल को कर लेते, शायद कोई इनकम का जरिया बन जाए, अल्लाह ताला कोई कर्म कर दे अपना। इंशाल्लाह होगा। मैं मेन का मकसद यही है कि चलो कुछ व्लॉग्स बना के, या इससे जो थोड़ा सा इनकी हेल्पिंग हेल्प हो जाए, बच्चों की इनकी। तरह अखराजात बहुत ज्यादा है, स्कूल जाना होता है, दो बच्चे तो वैसे भी स्कूल नहीं जाते। 5 इनकी हैं बेटियां, तो आपको पता ही है वैसे, मैंने अक्सर बताया हुआ, तो 5 इनके हैं बच्चे, तो माशाल्लाह से बेटियां हैं सारी। तो फिर अब वो जारी बात है, बड़े भी हो रहे हैं और अखराजात इनके वैसे ही पापा बढ़ कहते गए। हैं मैं बिल्कुल अकेला हूँ, काम कैसे करूँ, अकेला कैसे खर्चे पर करो, तो कुछ जो मर्जी करो, कुछ काम करो, जॉब करो, जो मर्जी करो, जॉब करना इसलिए मुश्किल है कि इनको कौन देखभाल करेगा। हाँ बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और बच्चे अभी हमारे पास ही बैठे हुए हैं इधर, सारे के सारे आपको खुद ही इंट्रोडक्शन करवा देती है वन बाय वन। ये मेरी फर्स्ट बेटी है, ये सबसे बड़ी ये है। सबसे बड़ी है, इसका मित्र है, ये इसकी आवाज ऐसे देख, लेकिन अब इसको स्कूल बिठाया है। अच्छा, तो ये इनका नाम ये इकरा है, और ये हाफिज कुरान भी है, और अब स्कूल जा रही है। कौन सी क्लास में है ये? 9th में बैठा है, बहुत नाइन्थ? मुश्किल हो रही है अभी तो पढ़ने में। अच्छा, पहले वो 8 तक वहीं पे मदरसे में ही पढ़ाया उन्होंने। वो पहले पढ़ के गई थी ना ये। अच्छा, तो और सेकंड नंबर पे सेकंड ये है जी आमना, ये इनसे छोटी हैं। और ये कौन सी क्लास में ये है? भी 9th में है। अच्छा, ये भी 9th में है, वो बड़े भी 9th में है, ये भी 9th इसलिए में। करती जाती है जरा सा, इनके लिए तो मेरे लिए तो आसानी है, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है पढ़ने में। अच्छा, तो यानी कि इन्होंने पहले स्कूल पढ़ा है 8 तक, कैसे पढ़ा है? हाँ जी, वो ही उसकी वजह से वो 9th में इकट्ठी हो गई है। वैसे तो ये 2 साल छोटी है, वो 2 साल बड़ी है। अच्छा, अभी वो यानी कि वो हाँ जी, स्किप हो गया स्किप स्कूल हो गए, हाफिज बनने की वजह इस से। वजह से वो इकट्ठी हो गई है। अच्छा, इकरा, आमना, और थर्ड नंबर पे है जी किरण, किरण। किरण के बारे में बताएं। किरण ने 4 क्लास पढ़ी, फिर मैंने इसको भी इसमें बिठा दिया मदरसे में। अच्छा, आप मदरसे जा रही हैं? जी अच्छा, अब किरण भी मदरसे जा रही सुबह हैं। जाती है, शाम को 5 बजे जाती है। अच्छा, हिफ्स करेंगी ये भी? हिफ्स करेंगे, 2-3 पर तो माशाल्लाह से हो भी गए हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मुबारक हो, दुपट्टा लो सर पे, फिर तो आप हाफिजा बन रही हो। इनके बाद है जी, मतलब कि इकरा हो गई, आमना हो गई, ये हाफिजा हो गई, उन्होंने नहीं किया, किरण भी हिफ्स कर रही है। इनके बाद है जी जैनब, जैन। जैन बड़ी प्यारी बेटी है माशाल्लाह, बड़ी खामोश, सारी खामोश रहते हैं, देखिए ऐसे है जैसे कोई है ही नहीं, कोई बच्चा। जैनब स्कूल जाती है? जैनब ऊपर बैठ के लिख भी रही थी ना, होमवर्क आप कर रही थी ना। कौन सी क्लास में आप? 1 में। अच्छा, जैनब 1 में है। हाँ और जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी इशाल, इशाल। इशाल जो है वो घर में बिल्कुल सारे काम घर संभाला ही, मेरे ख्याल में इसी ने हुआ हाँ है। विशाल स्कूल तो जाती नहीं है मेरे ख्याल में, कपड़े धोती है, हांडी रोटी करती है, सफाइयाँ करती है, ऐसे यही ऐसे करती है ना, सब काम करती है ना विशाल।
मजाक मामू कहने का इंतजार भी इसको बड़ा होता है, जाने और, का भी। और मामू का इंतजार करती है और मामू के जाने का मामू के घर जाने का भी इंतजार बड़ा होता है कब जाएंगे, और मामू के आने का इंतजार भी बड़ा होता है। अच्छा चलो, और मामू से बातें तो करती नहीं है, इसलिए तो मैंने इसमें बताया बातें तो बोलती तो हो नहीं, तो फिर अब क्या करना है। चलो खैर, माशाल्लाह से अब इनके ये 5-6 बच्चे इधर ही बैठे हैं। आज तो बस इंट्रोडक्शन ही था इनका, ताकि आपको डिटेल से पता चल जाए, क्योंकि फिर ये नॉर्मल व्लॉग बनाएंगे अपने जो भी घर के होते हैं उस तरीके से। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करेंगे, आप भी मेहनत करें। मेहनत तो करेंगे, जाहिर है अब एक काम शुरू स्टार्ट किया तो करना तो कुछ पड़ेगा ही। बाकी एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है इनको, और उसके अलावा आपको पता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होता है फैमिली का भी, लोगों का भी, कि ये क्या, अभी भी हमें पता है कि इसके बाद जो है ना वो क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन आएंगी हमारी अपने में से। हमारे अपनों को भी बर्दाश्त नहीं था कि ये क्या बहन भाई आपस में लग गए। तो बस अभी हम हंस रहे हैं इसको लेके, लेकिन खैर बस अब क्या कर सकते हैं। वही पहले वो कह रही थी कि मैं कहीं जॉब करती हूँ, मुझे कहीं जॉब वगैरह ना आप पता करो, क्योंकि एक बंदा है बड़ा कमाने वाला इनके जो हस्बैंड है, बस वही है उनका भी। बस आजकल आपको हालात पता है इंसान किस कितने मुश्किल हालात है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो कितनी महंगाई हो गई है। तो ये भी जॉब का कह रही थी, तो फिर मैंने इनको कहा कि जॉब से अच्छा बाहर जाके भी तो आप 1000 लोग होते हैं देखने वाले और किस तरह का आजकल माहौल है। तो फिर मैंने कहा कि चले आप चैनल ही शुरू कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ट्राई करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला आपके सही हालात कर देगा और सही सब कुछ ठीक होगा। तो अभी आगे देखिए क्या होता है। इसी वजह से फिर मान गया, इन्होंने अपने हस्बैंड को भी मनाया, और बस फिर घर में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन आउटसाइडर जो होते हैं, जो कि आपको पता ही है, फिर जितने मुंह उतनी बातें। तो बस हमारी नियत तो साफ है, अल्लाह ताला जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करे, बस हाँ बस अच्छा ही करे। खैर इसी के साथ इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं, कल से ये फिर रेगुलर अपनी जो डेली की रूटीन है वो शेयर करेंगे, और आई होप कि आपको अच्छा लगे, और प्लीज इनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिर कल से मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे भी लोग बना सकूँ जो आप देखें और हमारी सपोर्ट हो सके। ठीक है, इसी के साथ आज का वो लोग एड करते हैं। हाँ जी, और आपने जरूर सपोर्ट। हाँ हाँ इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, इजाजत दे हमें, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।